आपको कैसा एहसास होगा अगर आपको भेज दिया जाए किसी ऐसी जगह जहां चारों ओर बर्फ की चादर है, जहां बर्फ के ऊपर होता है स्कीइंग, आइस स्केटिंग और स्लेजिंग जैसा मजेदार स्पोर्ट्स। तो आइए पता हासिल है सोलांग वैली लेकर। नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हाजिर है विंटर मनाली का सबसे खास अट्रैक्शन बर्फीले सोलांग, जो मनाली से अटल टनल के रास्ते में पड़ता है। मनाली मॉल से सोलांग करीब 15 किलोमीटर दूर है। आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे इस रास्ते का खूबसूरती, इस जगह का अद्भुत नज़ारे और बर्फ की चादर लपेटे सोलांग वैली। आजकल बर्फ देखने के लिए इतने लोग मनाली पहुंच रहे हैं कि जल्दी अगर होटल से आप नहीं निकले तो रास्ते में इतना जैम होगा कि मंजिल पहुंचना कभी कभी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप होटल से 8 बजे के पहले ही निकल जाइए। दोस्तों, मनाली इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है और इतना डाइवर्स भी है कि विंटर में कश्मीर के अलावा कहीं और नहीं जमती। विंटर में यहाँ आके आप रोहतांग तो नहीं जा सकते, पर अटल टनल क्रॉस करके सिसु तक आप ज़रूर पहुँच सकते हैं। पर इसमें एक कंडीशन है, यार एंड पे इतने लोग यहाँ आते हैं कि रास्ते में जैम लगता है और ज़्यादा ठंड पड़ने से भी बर्फबारी के कारण आप ठीक से नहीं घूम सकते। तो ठीक ठाक टाइम सिलेक्ट करके आपको यहाँ आना चाहिए। दोस्तों, पहले ही मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। होटल से 8 बजे निकलकर हम सोलांग पहुँचे 9:30 बजे। जनवरी में ठंड तो मनाली सोलांग में होगी, पर उसके लिए आप कैसे तैयार हो सकते हैं? 0 डिग्री या माइनस में चलने के लिए हम लेते हैं 2 कॉटन और उसके ऊपर विंटर हुडेड पैडेड जैकेट, साथ में टोपी तो होनी ही चाहिए। ड्राइवर आपको लेके आ सकते हैं लेह मनाली हाईवे के पास वाले दुकान, जहां किराए पे मिलता है स्नो सूट और स्नो जूते। चाहे तो आप वहां से ये सब सामान किराए पे ले सकते हैं। सोलांग पहुँच के आप जो काम सबसे पहले कर सकते हैं वो है स्नो स्कूटर राइडिंग, क्योंकि स्नो में पैदल चलना यहाँ मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ स्कूटर राइडिंग ही बेस्ट ऑप्शन है। हमारा जिनसे मुलाकात हुआ था उन्होंने हमसे 1500 मांगे, बदले में सोलांग वैली में 2 जन का स्कूटर राइडिंग और 2 जन का जिप लाइनिंग राइड मिला हमें। सोलांग का ये खूबसूरत वादियाँ जिनमें जान आते हैं बर्फ पड़ते ही, खिल उठता है हर कोना। अगर आप यहाँ किसी और टाइम आएंगे तो उतना अच्छा आपको नहीं लगेगा जितना विंटर में आपको लगेगा। मानो बर्फ पड़ते ही ये वादियाँ अपने आप लोगों को अपनी ओर खींचता है। सोलांग या सिसु में एक पॉपुलर एडवेंचर एक्टिविटी है जिप लाइनिंग। सिसु में तो आप जिप लाइनिंग करके चेनाब रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। सोलांग भी विंटर में जिप लाइनिंग के लिए एक बढ़िया जगह बन जाता है। हम दोनों को भी उस दिन जिप लाइनिंग करके बड़ा मजा आया। जिनको जिप लाइनिंग के बारे में नहीं पता है उनको बता दे कि एक
रोप के जरिए आपको लटका दिया जाएगा एक रोप वे में, क्योंकि आपको ऊपर से नीचे आना है, इसलिए लाइन से आप खुद झूलते हुए डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको तो इसमें चढ़ना ही पड़ेगा। सोलांग वैली में हमारा अगला डेस्टिनेशन था सोलांग पैराग्लाइडिंग ग्राउंड। यही वो ग्राउंड है जहां होता है पैराग्लाइडिंग सहित बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज, चाहे तो आप रोप वे भी कर सकते हैं। सीजन में पैराग्लाइडिंग का खर्चा 1500 रुपए से शुरू होता है। पैराग्लाइडिंग करने के लिए आपको ये लोग ले जाएंगे सोलांग ग्राउंड के एकदम लास्ट में ऊंचे चट्टान पे, वहां से आपको कूदना है पैराशूट के साथ। सोलांग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां सर्दी में आपको एक बार आना ही चाहिए। मनाली से 15 किलोमीटर दूर 2500 मीटर हाइट पे बसे इस वैली विंटर में आपके लिए बहुत कुछ सजा कर बसता है। ये खूबसूरत वादियाँ देखने के साथ साथ एडवेंचर करने के लिए भी बढ़िया है। सोलांग वैली से सिस्सू अटल टनल होकर 28 किलोमीटर का जर्नी है। इस बार हमारा प्लान था सिस्सू जाने का, पर बर्फ के कारण हम सिस्सू पहुंच नहीं पाए। विंटर में सोलांग वैली भी कश्मीर से कुछ कम नहीं है। दोस्तों, आप ना वीडियो देख के वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। कुछ सवाल है तो करें कमेंट, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। सोलांग घूमने का सबसे बढ़िया टाइम मेरे हिसाब में दिसंबर से मार्च तक है, क्योंकि इसी टाइम पे सोलांग सबसे खूबसूरत लगता है। पर समर भी एडवेंचर लवर के लिए बढ़िया है, और खास करके विंटर और समर के बीच उतना भीड़ भी नहीं होता, तो इसलिए अगर बर्फ कम होगा तो सिस्सू घूमने का एक अच्छा टाइम हो सकता है। दोस्तों, मनाली में आप कहाँ रह सकते हैं या कहाँ खाना खा सकते हैं, उसके बारे में हमने बात किया हमारे पिछले मनाली का वीडियो में, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक करके। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलेंगे कासौल मणिकरण के वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूले। तो अलविदा दोस्तों, खुश रहे आप, धन्यवाद।